बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। मौसम की दुनिया से मूसलाधार बारिश की बड़ी खबर आ गई जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इस हवाले से बारिश, माह रमज़ान से पहले तीन बारिशों का सिलसिला लगातार पाकिस्तान में आएगा। पहला सिलसिला काफ़ी कमज़ोर शिद्दत का होगा, ये आज रात को अफगानिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होगा और इसके असरात 16 अप्रैल की रात तक मौजूद रहेंगे। इस सिलसिले में ज़्यादातर जो मुल्क भर में दर्जा हरारत के हरारत में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, जबकि बारिशों की बात की जाए तो इस कमज़ोर सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, कश्मीर और गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिशें हो सकती हैं, जबकि कोही सुलेमा और खीर थर के पहाड़ों में भी गरज चमक के साथ बारिशें। पंजाब के वस्ती और सिंध के कुछ इलाके भी इससे मुतासर हो सकते हैं और बलूचिस्तान के वस्ती और मगरबी इलाकों में बारिश के अमकान है। इस पहल की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अभी आ रहा है, आज के वो दो तीन दिन के जो सिलसिले हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो दूसरा और तीसरा स्पेल अगला हो, जो 16 अप्रैल से शुरू होगा, 16 अप्रैल को रात से दरमियानी और ताकतवर शिद्दत जो सिलसिला है पाकिस्तान को मुतासर करेगा, जिसमें 17 से 21 अप्रैल तक बारिश के मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें होंगी। आंधी भी इसके हमारा होगी, आसमानी बिजली गिरने के बहुत सारे वाक़ात पेश हो सकते हैं। अगर हम हवाओं की रफ़्तार की बात करें तो हवाओं की रफ़्तार 80 से 100 किलोमीटर की रफ़्तार से चल सकती है। शदीद तेज़ गरज चमक के साथ तूफान बनेंगे और दरमियानी से मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। कहीं दरमियानी बारिश होगी पाकिस्तान में और कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं। अगर हम इसी दूसरे और तीसरे स्पेल की बात करें तो इसमें ख़ास तौर पर केपीके में 17 से 20 अप्रैल तक रोज़ाना की बुनियाद में बारिशें वो बादल बनेंगे, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। दिन को गर्मी और शाम को ठंडी हवाएं और मौसम खुशगवार हो जाएगा। पेशावर, मर्दान, बटखेला, लक्की, मरवटान, डेरा इस्माइल खान टोपी और स्वाबी, नुशहरा, मानसरा, कोहाट, एबटाबाद, हरिपुर बुंस और सवात, मंगोरा, कलाम, चतराल के इलाकों में दरमियानी बारिश। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की अगर बात करें तो 16 से लेकर 20 अप्रैल तक बारिशें होंगी जी। शुमाली पंजाब के बेशतर इलाके जिसमें आते हैं सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, शक्करगढ़, चकवाल, जेलम, रावलपिंडी, खारियाँ और जितने इसके साथ डिस्ट्रिक्ट तहसीलें लगती हैं, डस्का, लाला मूसा में दरमियानी बारिश। अगर वस्ती पंजाब में बात करें, लाहौर, शेखुपुरा, कामोकी, कसूर, साहिवाल, सरगोदा, जाम खुशाब, नूरपुर, हादसाबाद, फैसलाबाद, गोजरा, समुंदरी और कमालिया, शोरकुंड, ननकाना, टोबा टेक, सेंकाड़ा, दीपालपुर और इसी तरह गगो मंडी, पत्तोकी में बारिश का शदीद अमकान है जी। और शदीद किस्म की बारिश इसमें हो सकती हैं, तेज़ भी हो सकती हैं, दरमियानी बारिशें भी हो सकती हैं। हवाओं की रफ़्तार की बात करें 50 से 70 किलोमीटर तक। जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो बखर, मियांवाली, तौंसा, कोट अद्दू, कोट आज़म, डेरा गाजी खान, सखी सरवर और इस मुजफ़्फ़रगढ़ और इसके अलावा मुल्तान, राजनपुर, अलीपुर, जलालपुर, कबीरवाला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और ज़्याला बारी है। गरज चमक का मकान अगर बावलपुर में बात करें तो बावलनगर, लोधरा, बूरेवाला, मैलसी, विहाड़ी, हासरपुर, चिश्तिया, मिंचाबाद, पूरा डिस्ट्रिक्ट बावलनगर, बावलपुर और रहीम यार का पूरा डिस्ट्रिक्ट खानपुर में मूसलाधार बारिशें होगी और शदीद आंधी और ज़ालाबारी होगी। पंजाब के में दिन के वक्त गर्मी और रात को ठंडी हवाएं होंगी, लेकिन बारिशें भी साथ होती रहेंगी। इस तरह मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 17 से 20 अप्रैल तक दरमियानी और शदीद बारिशें हो सकती है। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में 17 से 19 अप्रैल तक जी बारिशें हैं, जिसमें कोटा, चमन, जोब, किला, सैफुला, बारखान और डेरा बुख्ती, खुजदार, ज़ियारत, चमन और मगरबी और मशरक़ की शुमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। कश्मीर की सूरत हाल पे आते हैं तो कश्मीर में भी हल्की बारिशें हो सकती हैं जी, और इसमें मुजफ़राबाद, कोटली, मीरपुर में शदीद बारिशें होंगी। सिंध की सूरत हाल सिंध के शुमाली हिस्सों में ख़ासतौर पर लाड़काना, सखर, गोटकी, पन्नुआकल, शहदादकोट, कश्मूर, शिकारपुर और दादू वगैरह में हल्की बारिशें हो सकती है। नवाब, हैदराबाद, नवाबशाह, काजी अहमद और मौजूदौड़ों में चंद मकाम पर बारिशें होंगी जी। बड़ा शहर कराची की बात करें तो कराची में मुकम्मल तौर पर गर्म और मौसम खुश्क रह गया, चमकदार गरज चमक के साथ तूफान बनने की उम्मीदें हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है और सिंध के बाकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ये आप जो मैं आपको डिटेल बता दी पूरी की पूरी रमज़ान शरीफ से पहले की, तमाम शहरों के बारे में डिटेल बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।